नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो मैं बहुत ही खास लेकर के आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा आज BHU कन्वोकेशन के बारे में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह के बारे में। इस बार BHU कन्वोकेशन कुछ विशेष होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाला दीक्षांत समारोह कुछ विशेष होगा, क्योंकि चार अलग अलग तरह के परिवर्तन आपको आपके डिग्री में दिखने वाले हैं। चार अलग अलग तरह के परिवर्तन जो इस बार BHU में PhD के बाद जो आपको प्रदान किए जाएंगे, या और UG या PG में जो डिग्री आपको प्रदान की जाएंगी, उनमें चार तरह के परिवर्तन क्या होंगे, इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। एक एक चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार BHU में जो BHU का कन्वोकेशन है, 104वां कन्वोकेशन, 104th कन्वोकेशन, 104वां दीक्षांत समारोह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इस बार 14 दिसंबर को किया जाएगा, मनाया जाएगा, डिग्रियां वितरित की जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि FMC और महिला महाविद्यालय की डिग्री जो होगी, UG, PG, PhD अन्य कोर्सेज की, यह 14 दिसंबर को ही BHU के अलग अलग स्थानों पर, जो निर्धारित स्थान होगा, वेन्यू होगा, वहां पर प्रदान किया जाएगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो डिग्रियां होंगी UG, PG और PhD की, यह सभी जो डिग्री होगी यह BHU में ही प्रदान किया जाएगा। यह बात अलग होगा कि सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस को अलग अलग स्थान BHU के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ज़्यादातर एफिलिएटेड के तरफ से जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य होगा, यह 16 और 17 दिसंबर को अपने निर्धारित जगहों पर, निर्धारित समय पर किया जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से एग्जामिनेशन आपका आपके सेंटर पर हो रहा है, उसी तरह से डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सेंटर पर नहीं होगा। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन आपके कॉलेज के सहयोग से ही किया जाएगा, लेकिन डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम BHU में ही निर्धारित स्थान पर, निर्धारित डेट पर किया जाएगा। यानी आपको BHU में ही डिग्री लेने आना है, आपको आपका कॉलेज सूचित कर देगा, बता देगा कि आपको कब डिग्री दी जाएगी, BHU में किस स्थान पर डिग्री दी जाएगी। इसलिए इसके लिए आप अपने अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर मैं VKM की बात करूं, तो VKM में इस बार होने वाले कन्वोकेशन में जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, यह 16 दिसंबर को किया जाएगा। और VKM वाले स्टूडेंट को डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य, यानी डिग्री देने का जो स्थान है, वह साइंस कॉम्प्लेक्स को चुना गया है, यानी विज्ञान संकुल को चुना गया, जो विश्वनाथ मंदिर से थोड़ा पहले है। आप वहां पर निश्चित रूप से पहुंचे, वहीं पर आपको डिग्री 16 दिसंबर 2024 को प्रदान किया जाएगा। और इस बार सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भी UG और PG या PhD की डिग्री आपको प्रदान की जाएगी, उन डिग्रियों पर चार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिस पर मैं विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूं। और इन डिग्रियों पर जो परिवर्तन किए गए हैं, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाने की कोशिश की गई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार स्वरूप देने की कोशिश की गई है, निर्धारित करने की कोशिश की गई है। तो मैं निश्चित रूप से इस बार आपके डिग्रियों में चार दिखने वाले परिवर्तन पर बात करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके इस डिग्री को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रदान करने की कोशिश इस बार की जाएगी। चार महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन पहला, कि अब आपके डिग्री पर UG, PG, PhD जो भी डिग्री आपको प्रदान की जाएगी, उन डिग्रियों पर कहीं भी नाम के पहले श्री या सुश्री या मिस्टर या मिस शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि नाम के पहले श्री या सुश्री या मिस या मिस्टर नहीं लिखा जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साबित करने के लिए
आपके नाम के पहले से श्री या सुश्री शब्द को हटाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में श्री या सुश्री को या मिस्टर या मिस को आपके नाम का हिस्सा समझ लिया जाता है। ठीक है, यानी श्री का क्या मतलब है यह तो हमारे कल्चर में पता है, हमारी संस्कृति में श्री का मतलब हम समझते हैं कि हम सम्मान के साथ किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले श्री या सुश्री लगाते हैं, लेकिन इस श्री का मतलब विदेशों में वो नहीं समझ पाते हैं। तो इस श्री को, इस सुश्री को वो नाम का हिस्सा मान लेते हैं। अब ये कहेंगे आपके नाम का हिस्सा भी मान लेते हैं तो क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मान लीजिए आपका नाम राजेश कुमार है तो आपको लिखा जाएगा श्री राजेश कुमार, ठीक है, और आपका नाम सिर्फ राजेश कुमार है, और अगर विश्व में किसी अलग अलग देशों में अगर आप कंट्रीब्यूशन देने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या सेलेक्ट होते हैं, तो वहां पर आपका नाम राजेश कुमार की जगह आप श्री को शामिल कर दिया जाएगा तो श्री राजेश कुमार हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए जो आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसमें सिर्फ राजेश कुमार लिखा जाता है, तो आपका नाम राजेश कुमार है न कि श्री राजेश कुमार है, क्योंकि आधार कार्ड पर राजेश कुमार लिखा जाएगा या पैन कार्ड पर सिर्फ आपका नाम रहता है राजेश कुमार, बैंक में जो आपका अकाउंट रहता है वहां पर सिर्फ राजेश कुमार रहेगा, क्योंकि श्री तो आपके नाम के आगे सम्मान के लिए लगाया गया है, तो श्री राजेश कुमार आपका नाम नहीं है, आपका नाम एक्चुअल में राजेश कुमार है। लेकिन जब श्री को आपके नाम का हिस्सा मान लिया जाएगा, नाम श्री राजेश कुमार हो जाएगा, तो बैंक के नाम के साथ आपका नाम मैच नहीं करेगा, आधार के नाम के साथ मैच नहीं करेगा, तमाम ऐसे वेरिफिकेशन के जो कार्ड होते हैं उसके साथ आपका नाम मैच नहीं करे पर होगा, तो जिससे तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए अब आपकी डिग्री पर आपके नाम के पहले श्री या सुश्री नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है आपकी डिग्री को लेकर के, आपको विदेशों में अलग अलग जगहों पर जाकर के सेवा देने में, नौकरी पाने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपके नाम के आगे श्री या सुश्री शब्द को हटाया जाएगा। इस बार ये शब्द आपके नाम के पहले नहीं दिखेगा, इसके पीछे आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसके समाधान के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब आइए दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि जो डिग्री आपको यूजी, पीजी या पीएचडी की दी जाती है, उस डिग्री पर जहां पर इंग्लिश में लिखा रहता है, आप सभी जानते हैं कि आपको डिग्री जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मिलती है, उस डिग्री पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं में आपको डिग्री प्रदान की जाती है, तीनों अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता है। तो जो इंग्लिश वाला जो शब्द है, जो इंग्लिश में आपको डिग्री प्रदान की जाती है, जो इंग्लिश वाला जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वहां पर जो एडमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता था अब तक लगभग 100 सालों से जो एडमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब इस बार की डिग्री में एडमिटेड शब्द नहीं रहेगा, वहां पर अवार्डेड शब्द लिखा रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर एडमिटेड के जगह पर अवार्डेड लिखने से क्या फायदा है, ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप विश्व के अलग अलग देशों में सेलेक्ट होते हैं, अपना योगदान देने के लिए पहुंचते हैं, आप अपनी काबिलियत को साबित करते हैं, मालवीय जी का जो आपके ऊपर आशीर्वाद होता है, जो उनके विश्वविद्यालय में उस बगिया में जो आप पढ़ करके विश्व भर में अलग अलग देशों में जो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गरिमा और उसके नाम को रोशन करने का जो मौका आपको मिलता है, वहां पर एडमिटेड शब्द को लिखने से विदेशों में कुछ लोगों को शिकायत होती है और आपको शक की निगाह से देखते हैं। पीएचडी डिग्री होने के बावजूद भी, पीएचडी करने के बावजूद भी, यूजी करने के बावजूद भी, पीजी करने के बावजूद भी एडमिटेड शब्द का लिखने के पीछे लोगों का तर्क होता है
कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, न कि आपने इस कोर्स को पूरा किया है, क्योंकि एडमिटेड का मतलब लग रहा है आप अभी एडमिट हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, जबकि आपको डिग्री कोर्स के कंप्लीट होने के बाद प्रदान की जाती है, तो उनको कौन समझाए। इसलिए आपके इस पार्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी जगहों पर एडमिटेड शब्द को साफ साफ हटा दिया गया और वहां पर अवार्डेड शब्द लिखा जाएगा, जिसके आधार पर विश्व के किसी भी देश में यह समझ में बात आ जाए कि हमने यूजी पूरा कर लिया है, पीजी पूरा कर लिया है, पीएचडी पूरा कर लिया, अवार्डेड है, डिग्री मुझे मिल चुकी है, मैंने सम्मान के साथ पूरी गरिमा को ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने यूजी पीजी या पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, ये साफ साफ झलकेगा, दिखेगा। इसलिए दूसरा परिवर्तन किया गया है कि एडमिटेड शब्द को हटा करके अवार्डेड शब्द का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका तैयार किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले होनहार छात्र छात्राएं विद्यार्थी विश्व के अलग अलग कोने में बीएचयू का नाम करते हैं, मालवीय जी के सपने को विश्व भर में फैलाते हैं, उनकी खुशबू को विश्व के अलग अलग कोने में पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से यह बीएचयू के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। और इतना सब कुछ होने के बाद एडमिटेड को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, यह अच्छा नहीं है। इसीलिए इस बार आपकी डिग्री पर एडमिटेड के जगह पर अवार्डेड शब्द का उपयोग किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो क्या किया गया, तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि इस बार जो आपको यूजी पीजी या पीएचडी की डिग्री बीएचयू के तरफ से इस दीक्षांत समारोह में मिलेगी, कन्वोकेशन में मिलेगा, पहले इस डिग्री को बीएचयू के तरफ से लेमिनेट करके दिया जाता था। डिग्री को सम्मानित तरीके से लेमिनेट करके एक फाइल में आपको दिया जाता था। अब इस बार से आपको बीएचयू में यूजी पीजी या पीएचडी की डिग्री को लेमिनेट करके नहीं दिया जाएगा, बल्कि बीएचयू के तरफ से डिजाइन किया हुआ एक विशेष फोल्डर जो तैयार किया गया, उस विशेष फोल्डर जिसको खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने तैयार किया, उस फोल्डर में आपकी डिग्री को रख करके सम्मानित तरीके से आपको दिया जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर बीएचयू के तरफ से इस स्पेशल फोल्डर को डिजाइन करके उस फोल्डर में रख करके डिग्री देने के पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई लगभग 100 सालों से एक ही ट्रेंड था कि आपको लेमिनेट करके बीएचयू की डिग्री दी जाती थी। मुझे भी बीएचयू की जो पीएचडी की डिग्री मिली है वह लेमिनेटेड वाला ही मिला है, सबको मिला होगा। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कारण ये था कि लेमिनेशन करके जो डिग्री आपको मिलती थी, कई बार कुछ वजहों से वो लेमिनेशन उखड़ने के वजह से, छोड़ने के वजह से आपकी जो डिग्री थी वह चिपक जाती थी, फट जाती थी, नुकसान होता था। और इतनी मेहनत से, आपको तो मालूम होगा कि बीएचयू में पीएचडी करने का हश्र क्या होता है, बीएचयू से पीएचडी की डिग्री मिलना कितने बड़े सौभाग्य की बात होती है और कितने सारे कठिनाइयों को प्रदर्शित करता है बीएचयू पीएचडी की डिग्री। जब आप बीएचयू पीएचडी की डिग्री लेते हैं ना, यूजी पीजी की डिग्री लेते हैं ना, तो आप खुशी से उछल जाते हैं, आंख से आंसू आ जाते हैं। अगर आप खास तौर से बीएचयू पीएचडी की डिग्री अगर आप बीएचयू से लेते हैं ना, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाता है और आप अपने आंखों के सामने वो तमाम तरह की कठिनाइयां और चुनौतियां जो आपने झेला है वो सब याद आ जाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है, आपको बहुत मेहनत करके यूजी और पीजी की डिग्री मिलती है, तमाम तरह के परिश्रमों को, चुनौतियों को, संघर्षों को, मेहनत को जो आपने इसके लिए झेला है, जो आपने सैक्रिफाइस किया है, इन तमाम चीज़ों को बीएचयू की डिग्री प्रदर्शित करती है। और जब लेमिनेशन की वजह से वो आपकी डिग्री फटती है ना, डैमेज होती है ना, तो कलेजा निकल जाता है, उससे एक अपना अलग तरह का ही लगाव होता है उस डिग्री से। वो डिग्री हाथ में लेने से मालवीय जी की का पूरा आशीर्वाद मिलता है, जैसे लगता है कि उनका उनका साक्षात जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर है, हमारा कल्याण होगा ही होगा, ऐसा अनुभूति होता है। बीएचयू की डिग्री जब मिलती है वो अनुभूति कैसा होता है, कितना सुकून प्रदान करता है,
जब मैं पीएचडी की डिग्री ले रहा था, तो जो आप सभी लोग जब लिए होंगे तो आप सभी लोगों को वो अनुभूति, वो विशेष जो अनुभूति है वो आप किसी से बयान नहीं कर सकते। और आप अपने डिग्री को कितना व्यवस्थित तरीके से दो दो तीन तीन फोल्डर में बना करके अच्छे से रखते हैं, इतना लगाव होता है उस डिग्री के साथ, और वो डिग्री यदि फटती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बीएचयू ने, क्योंकि लेमिनेटेड अगर डिग्री है तो कभी न कभी तो फटेगा, तो इसीलिए बीएचयू ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने से डिजाइंड किया हुआ एक विशेष फोल्डर जिसमें आपको डिग्री रख करके देगा, वह कभी भी फोल्डर आपके डिग्री में चिपकेगा नहीं। आप जब चाहेंगे आप अपने डिग्री को निकाल पाएंगे, जब चाहेंगे आप रख पाएंगे, यानी वो प्लास्टिक कभी भी आपके डिग्री में चिपक करके उसे फाड़ेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यह काम, यह परिवर्तन बीएचयू की तरफ से किया गया है, और निश्चित रूप से आपकी डिग्री को, आपके मेहनत को, आपके इस जो एक बहुत बड़ा डिग्री आपको मिलता है, वो नुकसान न होने पाए, डैमेज न होने पाए, इसलिए इस तीसरे तरह के परिवर्तन को शामिल किया गया है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अगर मैं आपको बताऊं, तो अब आपकी डिग्री पर जो यूजी पीजी पीएचडी की डिग्री आपको मिलेगी, चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन में ये किया गया है कि अब आपके डिग्री पर क्यूआर कोड का उपयोग किया जाएगा, क्यूआर कोड का उपयोग किया जाएगा। और अब आप कहेंगे सर क्यूआर कोड की जरूरत क्या है और क्यों कर, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार से बीएचयू की डिग्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रदान किया जा रहा है, तो आपके डिग्री पर क्यूआर कोड होने का मतलब ये है कि आपके बारे में अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त करना चाहता है या खुद आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने डिग्री पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आपकी सारी डिटेल्स निकल करके सामने आ जाएगी। आपने बीएचयू में कितनी मेहनत की है, कितनी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, कितने गोल्ड मेडल आपको मिले हैं, ये तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपने कितनी कितनी बदमाशियां की हैं, उदंतता किया है, वो भी स्कैन करके कोई पता कर सकता है। जो काम पहले हम लोगों को इनरोलमेंट नंबर डालने पर पता चलता था, वह काम क्यूआर कोड से पता चल जाएगा। और क्यूआर कोड तो आज इतना इतना सामान्य बात हो गई, आप चाट समोसे छोले जो भी खाते हैं उस दुकान पर भी आप देते हैं, उसी से पैसा आप देते हैं। क्यूआर कोड बहुत सामान्य हो चुका है, आप कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान के प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यूआर करते हैं। आप कोई दवा खरीदते हैं, उस दवा के ऊपर भी क्यूआर कोड रहता है जिससे उस कंपनी के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ें बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं हैं, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहा जा रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के बारे में आप समझिए कि आपने कितनी मेहनत करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, आप कितना परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, टॉप करते हैं, आपको इतना बड़ा अचीवमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से मिलता है, तो इसको छिपा करके रखने की क्या जरूरत है। लो क्यूआर कोड, स्कैन करो, जानो कि मैंने इस कोर्स में टॉप किया है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है। इसीलिए अब किसको पड़ी है कि आपका एनरोलमेंट नंबर लेकर के वो सर्च करेगा और देखेगा कि आप इस कोर्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेकिन क्यूआर कोड रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहेगा, तुरंत स्कैन करेगा और आपकी कितनी खूबसूरत फोटो जो गोल्ड मेडल लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब आप ले रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया, कितना अद्भुत आप अनुभव करेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर उसको आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड बनाया जा रहा है जिससे आपके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बिल्कुल भी इन चार चीज़ों के अलावा कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बीएचयू में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन या दीक्षांत समारोह या कन्वोकेशन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, गरिमा को बिल्कुल ध्यान में रख करके ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। यानी अभी भी आपको आपके डिग्री पर माँ सरस्वती की जो फोटो है वैसे ही दिखेगी,
हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीन भाषाओं का उपयोग आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे पहले दिखता था। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि अब ये चूक के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गरिमा, प्रतिष्ठा और संस्कृति के खिलाफ है। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तैयार करें लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गरिमा, प्रतिष्ठा पर, प्रसिद्धि पर किसी तरह की आँच न आने पाए, इसको भी ध्यान रखा गया है, इसका भी सम्मान किया गया है। ये तमाम जानकारियाँ आपको देने की कोशिश मैंने की, फिर भी किसी तरह की विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आप अपने कॉलेज से, अपने फैकल्टी से भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आभार।